कौन सी ऐसी स्पेशल चेंजेस हैं जिससे जो है ना आप कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं इन चेंजेस पे और इन फॉर्म्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करूँ? एक्सटेंड करेंगे अपनी आउटरीच को थ्रू वीडियो लिंक, तो आई विल मेक श्योर माई फोकस विल बी ऑन द ट्रेनिंग एंड ऑन द अपलिफ्ट ऑफ यंग लॉयर्स जो हाई कोर्ट में आएँ और अच्छा तरह अपना परफॉर्म करें. वकील तो डाउन ट्रॉडन लोगों की बात करता है, उन लोगों की बात करता है जिनके हुकूक सलब कर लिए गए हैं. हम रोहिंग्या मुस्लिम्स की बात लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन क्यों नहीं कर रही? इट्स अ इशू ऑफ इंटरनेशनल लॉ. वकला ने अपने हुकूक के लिए सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया, ऐसा तो कभी नहीं था. हम तो लोगों के लिए निकलते थे. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है बार रूम और मैं हूं आपका होस्ट मियां रहमान. नाज़रीन, अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए आज हम फिर आपके पास एक नए मेहमान के साथ आए हैं और ये मेहमान लाहौर हाई कोर्ट बार के लिए एज अ सेक्रेटरी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं. इनका नाम बैरिस्टर हारून दुग्गल है. आइए इनसे मुलाकात करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम दुग्गल साहब. वालेकुम सलाम रहमान. दुग्गल साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह. दुग्गल साहब, मैं चाह रहा हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपना ब्रीफ लॉ प्रोफेशन और आपका जो है लॉ बैकग्राउंड थोड़ा सा वो बता दें. रहमान, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ग्रेजुएट किया. उसके बाद आई जॉइंड द चेंबर्स ऑफ राजा मोहम्मद अक्रम एंड कंपनी. वहाँ से मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बैंकिंग लॉ, टैक्स लॉ के ऊपर ट्रेनिंग हासिल की. उसके बाद मुझे शौक़ था कि मैं क्रिमिनल लॉ के ऊपर भी कुछ ट्रेनिंग हासिल करूँ, तो आई वॉज़ लकी टू जॉइन द चेंबर्स ऑफ बुरहान मुअज़्ज़म मलिक साहब. और वहाँ से मैंने क्रिमिनल ट्रायल और जो बेल्स हैं या जो क्रिमिनल लॉ की एडवोकेसी है वो उसकी ट्रेनिंग हासिल की. उसके बाद आई वेंट फॉर माई बार. मैंने लिंकन जिन से बार एट लॉ किया और बार करने के बाद जब मैं वापस पाकिस्तान आया 2009 में, तो आई सेट अप माई ओन चेंबर्स और 2009 ऑनवर्ड्स अब तक मैं अपनी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ. और आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, तो जो तमाम मसाइल किसी भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर को फेस हो सकते हैं मैंने भी वो फेस किए. और आप ख़ुद भी चूँकि फ़र्स्ट जनरेशन लॉयर है तो आप फील कर रहे होंगे कि कितना मुश्किल है वकालत के पेशे में अपना नाम बनाना, अपना चैम्बर सेटअप करना, अपनी प्रैक्टिस exactly. सही करना. और वो सारी डिफ़िकल्टीज जो मैंने फ़ेस की अपनी एक इनिशियल फ़ेज़ के दौरान एज अ पीपल, एज एन एसोसिएट और फिर सब्सिक्वेंटली एज एन एंटरप्रेन्योर व्हेन आई सेट अप माय ओन चैम्बर्स, मैं चाहता हूँ कि किसी हद तक मैं अपने छोटे भाइयों के लिए और आगे आने वाले जो हमारे यंग दोस्त हैं मैं उनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा कर सकूँ. और जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने अपनी वकालत को चलाने में, अपनी वकालत के स्किल्स को एक्वायर करने में और सब्सिक्वेंटली अपने आप को अदालतों के सामने एक्सप्रेस करने में, अपने केसेस को कंडक्ट करने में जो मुझे मुश्किलात पेश आई, जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने फ़ेस की, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो यंग दोस्त हैं, जो यंग कॉलीग्स हैं, मैं उनके लिए कुछ ऐसा करके जाऊँ कि उनके लिए ये पेशा उतना मुश्किल ना हो जितना मुश्किल हम सब के लिए था और इसके अंदर अपना नाम कमाना उनके लिए रिलेटिवली आसान हो. अच्छा दुगल साहब, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं एज अ सेक्रेटरी, तो आप हमारे व्यूअर्स को जो सेक्रेटरी की पार्ट्स है ना कि उसकी क्या, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके पार्ट्स क्या हैं, ये ब्रीफ सा करके बताएं ताकि लॉ जो हमारे लॉयर्स हैं उनको इस चीज़ का इलम हो सके सेक्रेटरी के पास क्या क्या इख्तियारात होते हैं. जी देखिए, द सेक्रेटरी है, ही इज़ द कस्टोडियन ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जिस टाइम तक वो इलेक्ट होता है. द सेक्रेटरी बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल की तरह जो सेक्रेटरी है, ही हैज़ द पिवटल रोल इन रनिंग द अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. और हमारी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को भी सेक्रेटरी जो हाउस को रन करते हैं वो सेक्रेटरी का रोल ही रन करता है. सेक्रेटरी ऑल्सो हैज़ द ऑब्लिगेशंस के वो जो इंटरेक्ट करे विद द आउटसाइड वर्ल्ड ऑल्सो, एंड जो लाइजोन आपने क्रिएट करना है विद डिफरेंट बार एसोसिएशन विद वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट ऑल्सो इज़ डन बाय द सेक्रेटरी. जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है that also is traditionally addressed to the secretary and wo uska jo response bhi hai wo through the secretary aata hai. jo bar ke faisle hain wo bhi secretary ke through communicate hote hain. press conferences jo hain unke andar bhi secretary hi jo lahore high court bar association ke jo house ki meetings hain wo un pe bhi briefing secretary sahab hi dete hain. aur jo bhi basically the secretary is the ambassador of the lahore high court bar association. he is the key person who would carry out the entire functions of the house during his tenure. ठीक हो गया. अच्छा अगर आपको मौका मिला, अगर आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और आप एज अ सेक्रेटरी इलेक्ट होते हैं, तो रिफॉर्म क्या रिफॉर्म्स लाएंगे जो कि पहले नहीं लाएगी?
ठीक है, और जो बिल्कुल पीछे अगर हम जाते हैं देखते हैं कि वो रिफॉर्म्स हुई नहीं है, ठीक है, और कौन सी ऐसी स्पेशल चेंजेस हैं जिससे जो है ना आप कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं इन चेंजेस पे और रिफॉर्म्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा। एज़ फार एज़ रिफॉर्म्स आर कंसर्न, तो रिफॉर्म्स तो बहुत सारे लीगल रिफॉर्म्स भी हैं जो होने वाले हैं, उस पर मैं बाद में आऊँगा। बट एज़ फार एज़ सेक्रेटरीज़ रोल इज़ कंसर्न, मेरी ख्वाहिश और मेरी कोशिश ये है कि मैं इस रोल को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव कर दूँ, जो कि इसकी ट्रू स्पिरिट है। और हम इसका रोल हम बाकी जो बार एसोसिएशन हैं अदर देन द लाहौर हाई कोर्ट की जो बार है, जो कि हमारे मेंबर्स हैं, दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द वेरियस बार एसोसिएशन इन द फाइव डिवीजन्स ऑफ पंजाब, विच इज़ द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट। सो उन बार्स को हम बुला देते हैं जब हम इलेक्ट हो जाते हैं और हम मसरूफ़ हो जाते हैं प्रिंसिपल सीट पे, या एट द बेस्ट हम जो डिविजनल बार्स हैं शायद उनसे कोई इंटरेक्शन रह जाए, या लाहौर बार एसोसिएशन से इंटरेक्शन रह जाती है। लेकिन जो हमारी बाकी बार्स हैं, जो छोटी तहसील बार्स हैं या जो फार ऑफ एरियाज़ की बार एसोसिएशन हैं, हम उनको इस लूप में नहीं रखते। सो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि थ्रू टेक्नोलॉजी और हम और उनको रिक्वेस्ट भी करें कि वो भी पार्टिसिपेट करें लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एक्टिविटीज़ के अंदर, और थ्रू टेक्नोलॉजी एंड ये जो आपकी वीडियो लिंक है उसके ज़रिए हम अपनी जो हाउस की मीटिंग्स हैं उसके अंदर अपने उन मेंबरान को भी मौका दें शामिल होने का जो कि लाहौर बेस्ड नहीं है या जो लाहौर से बहुत ज़्यादा फाफ लंग एरिया। दुगल साहब, मैं आपको थोड़ा सा काट रहा हूँ, आपने बात की कि जो बाकी छोटी डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं या छोटी बार्स हैं कि उनको मैं अपने साथ इंगेज करूँ। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ थोड़ा सा, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, वो अगर छोटी बार्स में हैं, उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा कि पता नहीं कि लाहौर हाईकोर्ट बार का जो सेक्रेटरी है उसके साथ मुझे इंगेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसे यही पता है कि फेब में इलेक्शन होना है, कैंडिडेट ने आना है, मैंने उससे मिलना है, दैट्स इट। उसके बाद जो इलेक्ट हो रहा है, अगर वो मेरा वाला इलेक्ट हो रहा है तो बस ठीक है, उससे कभी कभार अगर मैं कभी हाईकोर्ट आया तो मुलाकात कर ली। उसे अपनी उसे पता ही नहीं है कि मैं अपनी बार के क्या क्या काम वहाँ से करवा सकता हूँ। एग्जैक्टली और बार के कामों के अलावा सबसे बड़ा रोल है एंगेजमेंट के थ्रू यू विल इंश्योर द अपलिफ्ट स्पेशली ऑफ द यंग लॉयर्स, क्योंकि जो लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है ये इसका काम है कि अपने मेम्बर्स की इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोग्राम तजवीज़ दे, और तरतीब देने के बाद वो मेक श्योर करे कि जो नए यंग मेंबर्स हैं जो इंडक्ट हो रहे हैं वो उनकी ट्रेनिंग के लिए भी काम करे। तो ये जो इंक्लूसिवनेस की बात की, यानी मैंने इंक्लूजन की बात की कि हम एक्सटेंड करेंगे अपनी आउटरीच को थ्रू वीडियो लिंक एंड अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को थ्रू वीडियो लिंक, उसकी वजह यही है कि जो हमारे जो दोस्त हैं, जो छोटे भाई हैं, जब वो हाईकोर्ट में आते हैं किसी केस को लेके तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना अच्छा उनमें टैलेंट अल्लाह ने दिया है या जितनी अच्छी उनके पास इलम मौजूद है। सो द रीज़न इज़ कि वो जो ग्रेजुएशन है एक ट्रायल कोर्ट के एडवोकेसी से हाई कोर्ट के एडवोकेसी तक, उस जंप को, उस जिस्त को लगाने में उनकी मदद कोई नहीं करता। और जब वो हाई कोर्ट में पेश होते हैं तो जो रवैया है जजेस का वो इसलिए मुश्किल उनको लगता है बिकॉज एक लैंग्वेज है, एक तरीका है जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं अपना केस हाई कोर्ट के जज को, एंड दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी एड्रेस अ ट्रायल कोर्ट। तो इस चीज़ की ट्रेनिंग मैं देना चाहता हूँ कि आपने रिट पिटीशन को कैसे आर्ग्यू करना है, आपने अपील को कैसे आर्ग्यू करना है, क्रिमिनल अपील के अंदर क्या मेजर पॉइंट्स होने चाहिए, और ये हम अपने एक्सपर्ट्स को इंगेज करेंगे। आई हैव स्पोकन टू वेरियस एक्सपर्ट्स इन वेरियस एरियाज ऑफ लॉ और सब लोग तैयार हैं, हम लोग नॉलेज इम्पार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कोई कनेक्शन बनाने वाला नहीं है कि जो देना चाहते हैं और जो नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, जो ये ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, वी नीड टू ब्रिज द गैप। एंड इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मुझे इज्जत दी, तो आई विल मेक श्योर माई फोकस विल बी ऑन द ट्रेनिंग एंड ऑन द अपलिफ्ट ऑफ यंग लॉयर्स जो हाई कोर्ट में आएँ और अच्छा तरह अपना परफॉर्म करें। अच्छा दुगल साहब, ये आपने बात की है जो है ना थोड़ा सा जनरल इशूज़ हैं जैसे जो हमारे इस हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हैं, उन पे आपका क्या जो है, जिस तरह के आजकल मैं देख रहा हूँ सफाई का भी है और सम केसेस का भी बड़ा इश्यूज होता है एक प्रॉपर वे से, उन इश्यूज पे जो आप अगर क्या देखिए, यू आर राइट, देर आर इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। और जो बाकी इश्यूज हैं, आपने केसेस की बात की, जो एक मेजर इशू कंसर्न करता है हमें भी जो प्रिंसिपल सीट पर बैठे हैं और जो बाहर से आने वाले हमारे दोस्त हैं, हमारे कुलीग्स और बार मेम्बर्स हैं जो कि गुजरांवाला से, फैसलाबाद से और एक आखिरी तहसीलें दरिया खान से अगर कोई वकील उठ के आया है, 5 घंटे की मुसाफत करके वो हाई कोर्ट में पेश हुआ है और 3 बजे पता लगे कि केस लेफ्ट ओवर हो गया,
तो इससे बड़ी ज्यादती उसकी और उसके क्लाइंट के साथ नहीं हो सकती, बिकॉज एक तो केसेस फिक्स बहुत मुश्किल से होते हैं, बड़ा ओपेक है वो निज़ाम जिसके ज़रिए केसेस फिक्स होते हैं, और अगर फिक्स हो जाए तो इस बात का भी आपको यकीन नहीं है कि आपका सारा दिन वेस्ट करने के बाद, बल्कि दो दिन वेस्ट करने के बाद, जो दूर से आने वाले दोस्त हैं दे ट्रैवल वन डे इन एडवांस, और दो दिन ज़ाया करने के बाद अगर आपका नतीजा सिफर है तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, और ये हमारे निज़ाम की ज़्यादती है। वी नीड टू इन्वेस्ट एंड वी नीड टू फोकस ऑन केस मैनेजमेंट, और केस मैनेजमेंट पे काम करना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, इसके लिए कोई आपको कोई रेवोल्यूशन नहीं लेके आनी, इट इज़ जस्ट दैट सम पीपल हु आर एट द हेल्म्स ऑफ द अफेयर दे हैव टू सिट डाउन टुगेदर एंड दे हैव टू मेक श्योर कि उतना ही लोड डाला जाए एक अदालत के ऊपर जितना वो एक दिन में एग्जीक्यूट कर सकती है, एंड इट इज़ नॉट एन इम्पॉसिबल जॉब। आई डोंट नो वाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन इट। और जो एक ही रीज़न मैं समझता हूँ वो जो मैं एट्रीब्यूट करता हूँ इन लैक ऑफ दिस विल, और द मेजर रीज़न आई वुड से इज़ दैट हम अपने में से लोगों को इलेक्ट नहीं कर रहे, हम उन दोस्तों को इलेक्ट नहीं कर रहे जो जिनकी रोज़ी रोटी, जिनका ब्रेड एंड बटर वकालत से एसोसिएटेड होना चाहिए, हम उन दोस्तों पे फोकस कर रहे हैं जो जिनके पास वक्त ज़्यादा है, जिनकी जो ब्रेड एंड बटर है दैट इज़ एसोसिएटेड विद सम अदर प्रोफेशन, और इसीलिए उनकी प्रायोरिटीज़ वो नहीं हैं जो कि एक प्रोफेशनल लॉयर की, जो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर की होनी चाहिए। प्रोफेशनल लॉयर्स को बेसिकली जो है हम आप कह रहे हैं कि हम इलेक्ट नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग फ्रॉम द लास्ट 10 to 15 ईयर्स। हाँ देखिए, इस चीज़ के ऊपर जितनी भी डिबेट की जाए और जितना भी फोकस किया जाए वो कम है कि हमने प्रोफेशनल्स को आगे लेके आना है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 10-12-15 सालों से एक डिवाइड बन चुका है क्लियर, और ये जो साइकोलॉजी है मुझ तक भी पहुंची, मेरे सीनियर से पहुंची, और वो ये था कि यार आपने पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना बिकॉज अगर आपने प्रोफेशन पे फोकस करना है, अगर अच्छा वकील बनना है तो आपने सियासत में हिस्सा नहीं लेना। ये बात इस हद तक दुरुस्त है कि ख़ास मुद्दत तक आपको पॉलिटिक्स से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज जो आपके बिल्डिंग ईयर्स हैं जब आप यू आर अ बडिंग लॉयर, यू जस्ट नीड टू फोकस एंड इन्वेस्ट ऑल योर एनर्जीज एंड ऑल योर टाइम इन योर प्रोफेशन। लेकिन उसके बाद एक लार्जर ड्यूटी भी है जो हम सब पे, हमारे सब के कंधों पे है, और ये है कि हमने सर्व भी करना है, एंड सर्व करने का इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं कि आप अपने आप को प्रेजेंट करें टू बी इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बार, और फिर आप अपने बार के अंदर वो तब्दीलियां लेके आएँ जो आपने महसूस की हैं अपनी वकालत के दौरान की होनी चाहिए। सो द रीज़न जो ये इन्हतात की तरफ हम जा रहे हैं उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हमने अपने आप को या प्रोफेशनल ने, मैंने और आपने रिजाइल कर लिया है टू आर प्रैक्टिस, और हमने डेडिकेट कर दिया है अपने प्रोफेशन की जो लीडरशिप है, जो सियासत है, उन दोस्तों पे जो ज़्यादा वक्त रखते हैं और जिनका ब्रेड एंड बटर वकालत नहीं है। अच्छा, हम आप हमारी लॉयर कम्यूनिटी जो आपके ज़रा जो हमारे व्यूअर्स भी हैं, वो कोई स्पेसिफिक ऐसा रोल या स्पेसिफिक ऐसी आपका एक एजेंडा हो या रिफॉर्म हो जिस पे आप कह रहे हैं कि आपका ये ख्याल हो, एक स्पेशल हो कि यार इस पे मेरा सबसे ज़्यादा जो है ना वो फोकस होगा? देखिए, मेरा सबसे बड़ा फोकस तो एक तो मैंने ट्रेनिंग का, दूसरा सबसे बड़ा फोकस है इमेज बिल्डिंग का। इसलिए भी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, बिकॉज मैं ये फील करता हूँ कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे जिन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं, वो प्रॉपरली हमारे जज्बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते बाकी कम्युनिटी पे, या जो बाकी, क्योंकि वकील भी इस माशरे का हिस्सा है और वी इंटरेक्ट विद अदर पीपल फ्रॉम वेरियस स्ट्रेट्स ऑफ लाइफ, और उनके अंदर जो मेरा इमेज है वो डिस्टॉर्ट, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, बिकॉज जिन दोस्तों ने मुझे लीड किया है और जिनके एक्शंस मेरे एक्शंस हैं, उन्होंने मुझे प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं किया। मेरा जो इमेज बना दिया गया है वो माशरे के जेंटलमैन का नहीं रहा, वो माशरे के सबसे पढ़े लिखे फ़र्द का नहीं रहा, वो उस शख्स का नहीं रहा जो कि एंटायर सोसाइटी को लीडरशिप प्रोवाइड करता है, वो उस शख्स का नहीं रहा हु स्ट्राइव्स टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये चीज़ कैसे बिल्ड होगी? ये इमेज बिल्डिंग इस तरह से बेहतर होगी कि जो लीडरशिप का रोल हमने हमेशा से हिस्टोरिकली वकला के पास रहा है, हमने वो रोल वापस लेना है, हमने वो गोल्डन पीरियड लेके आना है। वो सेक्रीफाइस के ज़रिए आएगा, जब हम अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को ख़त्म करके या पस्ते पुश डाल के इस एक साल के लिए जब इलेक्ट हो रहे हैं, हम अपने मुल्क का सोचें, अपनी कम्युनिटी का सोचें, हम ओवरऑल वकला की इमेज बिल्डिंग के बारे में सोचें। पहले रोल क्या था रहमान, आपको याद होगा, पाकिस्तान
बनाने वाले वकला थे, इसीलिए सबसे ज़्यादा वकील को इज्जत दी जाती थी, बिकॉज हमने सेल्फलेसली काम किया, हमने मुल्क के मुफाद के लिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए, हमने इदारों को बचाने के लिए अपनी अपने वक्त की, अपनी वकालत की, अपने पैसे की कुर्बानी दी। वो कुर्बानी अब मफकूद है, वो कुर्बानी अब नहीं है हम में रही, और हम बहुत ज़्यादा मे बी वी आर सेल्फिशली ड्रिवन एंड वी आर स्पेंडिंग आवर टाइम सेल्फिशली। अब हमने उन इश्यूज़ को दोबारा उजागर करना है, लीडरशिप को लेके आना है। इतनी सारी चीज़ें हैं जो बार काउंसिल्स कर सकती हैं, और लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड बार एसोसिएशन है। हमने कश्मीर इशू पे बात क्यों उस तरह से नहीं कर रहे? हम सिर्फ 5 फरवरी को एक कश्मीर डे मनाने के बाद हम क्यों भूल जाते हैं? एक कश्मीर शोदा हॉल है, बस दैट्स इट। बस शोदा हॉल भी है, और उसके अलावा हम 5 फरवरी को एक सेरेमनी कर देते हैं, इज़ दैट द ओनली ऑब्लिगेशन? ये तो बाकी इदारे भी कर रहे हैं। वकील तो औरों के लिए बाहर निकलता है, वकील तो औरों की बात करता है, वकील तो डाउन ट्रॉडन लोगों की बात करता है, उन लोगों की बात करता है जिनके हुकूक सलब कर लिए गए हैं। सो हम क्यों बात नहीं कर रहे कश्मीर इशू की? इट्स अ लीगल इशू। व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यू लॉज दैट द इंडियन गवर्नमेंट इज फ्रेमिंग? जो नए पार्लियामेंट के वो लॉज आए हैं, जिसके अंदर उन्होंने जो नई सिटीजनशिप लॉज लेके आए हैं, उन्होंने मुसलमानों की बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उन्होंने जो नए वो जो सेंटर्स बना दिए हैं डिटेंशन सेंटर्स के, जो लोग प्रूव नहीं कर सकते अपनी सिटीजनशिप इंडिया के साथ, उन्होंने एक सिटीजनशिप रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं मोदी जो है, और मोदी ये कह रहा है कि जो इस रजिस्टर में फॉल नहीं करेगा वो डिटेंशन सेंटर में चले जाएगा, और दे मेनली टारगेटिंग मुस्लिम्स फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि असम और उन सूबों के अंदर मुस्लिम्स जो हैं वो मौजूद हैं। सो हम इसकी बात क्यों नहीं कर रहे? हम रोहिंग्या मुस्लिम्स की बात लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन क्यों नहीं कर रही? इट्स अ इशू ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मतलब ज़ाहिर है ये सिर्फ ओनली फॉरेन मिनिस्टर का काम नहीं है, मतलब कि आप फॉरेन मिनिस्टर को असिस्ट कर सकते हैं जो है मतलब प्रॉपर, लेकिन इसमें बिल्कुल लैक है, बिल्कुल कोई असिस्टेंस है ही नहीं है लाहौर हाईकोर्ट बार की। देखिए, जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, दे माइट बी डूइंग एन एक्सलेंट जॉब, बट उनकी लिमिटेशंस हैं, स्टेट पॉलिसी की कुछ लिमिटेशंस हैं, दे आर नॉट फ्री पीपल। सो जो मुल्कों के अंदर ताल्लुकात हैं, जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी, उसके मुताबिक बनाई जाती है, उसके मुताबिक बातें की जाती हैं, लेकिन जो जनरल पब्लिक है वो आर फ्री टू से वट एवर दे फील, एंड स्पेशली जो वकला हैं जनरल पब्लिक में से, दे आर द वंस हु आर एक्सपर्ट्स इन द लॉ। वो बता सकते हैं कि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स का इशू है उसके अंदर किन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन की गई है जो बर्मा की हुकूमत से। वो बता सकते हैं कि जो पैलेस्टाइन और जो इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर जो पैलेस्टीनियंस हैं उनकी क्या क्या जो एक बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वॉयलेशन हो रही है। और ये जो अब आके आप देखेंगे कि अब ट्रंप ने एक नई अपनी मिडल ईस्ट की पॉलिसी दे दी है, जिसके अंदर जो पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। होगा क्या कि जो इजरायली जो स्टेट है, जो अब तक हर पूरी दुनिया उसको उस तरह से रिकग्नाइज़ नहीं कर रही कि वो एक लीगल स्टेट है, बिकॉज उन्होंने रिजर्व किया है सारी टेरिटरी को जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी थी। लेकिन इस जो नए जो जो एजेंडा है ट्रंप का और जो नेतन्याहू जो जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है, उनका मकसद सिर्फ ये है कि वो अब इसको रिकग्निशन दे दें बिकॉज पैलेस्टीनियन शामिल नहीं हो रहे। सो वी नीड टू कम एंड वी नीड टू अपॉइन ऑन इट, और हम एक रिटोरिक बिल्ड करें। अब आपका जो चैनल है माशाल्लाह, इसके ज़रिए ये पैगाम भी जाना चाहिए, हम वकील आएँ आपको इंटरव्यू दें, आप वकला को इंटरव्यू करते हैं कि ये क्या इलीगैलिटी है, और ये आवाज़ पूरी दुनिया सुने और वो देखें कि इट इज़ नॉट जस्टिफाइड जो चीज़ें कश्मीर में हो रही हैं, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ हो रही हैं, जो पैलेस्टाइन में हो रही हैं, जो लीबिया में कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, जो इराक में हो रहा है। सो ये जितना भी ज़्यादती हो रही है मुसलमानों के साथ या जनरली ह्यूमैनिटी में कहीं भी ज़्यादती हो रही है, वकीलों का काम है कि हम रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करें और हर उस कमज़ोर के लिए आवाज़ उठाएँ जो अपनी आवाज़ खुद कहीं पहुँचा नहीं सकता किसी ईवान इकतदार तक। जब हम ये रोल अज्यूम कर लेंगे तो हमारी इज्जत में इजाफा होगा, सोसाइटी हमें वही जेंटलमैन के तौर पे देखेगी जो अपने आप को पेश करता है एक ड्यूटी के लिए, सर्विस के लिए अपना वक्त सेक्रीफाइस करता है। ये सारी चीज़ें इसलिए हो गई, ये हमारा इमेज इसलिए ख़राब हो गया बिकॉज़ हमने अपना ये रोल छोड़ दिया। वकला ने अपने हुकूक के लिए सड़कों पे निकलना शुरू कर दिया, ऐसा तो कभी नहीं था। हम तो लोगों के लिए निकलते थे, अपने हुकूक के लिए अदालतें हमारे लिए बहुत हैं। सो अगर हमने कोई प्रोटेस्ट भी करनी है पीसफुली तो वी हैव टू डू इट फॉर अदर्स, ताकि लोग ये फील करें कि यार ये वकील हैं, ये लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं,
ये वकील हैं जो हमारे हुकूक के लिए हमारी आवाज़ बन के अपना वक्त सर्फ करके, अपने वक्त की सेक्रीफाइस करके, बच्चों की रोज़ी की सेक्रीफाइस करके हमारी आवाज़ बन के आगे निकल रहे हैं। मतलब बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम अपने हकूक़ के लिए ज़्यादा निकल रहे हैं, हमारे पास तो कोर्ट्स हैं, हमारे पास पूरा एक प्रॉपर रूल ऑफ लॉ है, प्रॉपर एक वे है, हम उधर से भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली यार, देखिए 99.9% जो वकला हैं वो पीसफुल हैं। अगर कुछ दोस्त हमारे जो हैं वो बहक गए हैं या वो समझते हैं कि मसाइल का हल किसी किस्म के वॉयलेंस में है, तो हमने उनको भी समझाना है। बार काउंसिल्स का ये रोल है कि हम उनकी काउंसलिंग करें उन दोस्तों की, उनको अपने धारे में लेके आएँ और उनको बताएं कि यार हमारा काम ये नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता किसी वकील के साथ ज्यादती भी हुई है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं एक उसी वक्त ही रिवेंज कर लूँ उस चीज़ को। अगर मेरे साथ भी ज्यादती हुई है, तो मैंने भी वही कानूनी रास्ता इख्तियार करना है जो कि काम शहरी ने इख्तियार करना है। उतना ही कानून मुझ पर भी लागू है जितने काम शहरी पर लागू है। सो अगर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक मेंबर ऑफ पब्लिक जो है कानून को अपने हाथ में ना ले, तो वकील की ड्यूटी तो बहुत ज़्यादा है। हमने तो एग्जाम्पल सेट करनी है अपनी बाकी आवाम के लिए, अपने बाकी दोस्तों के लिए। बिल्कुल ठीक है। बस इस चीज़ को आपने कहा इमेज बिल्डिंग में भी जो है ये सबसे ज़्यादा जो फोकस, और कश्मीर इशू की जो आपने बात की, मतलब बड़ी अच्छी के लाहौर हाई कोर्ट बार दी लार्जेस्ट बार इन अवर कंट्री, और वो बिल्कुल उस पर खामोश है। तो अच्छा, मैं आपसे, मेरा एक बड़ा आखिरी सवाल है आपसे, और एक यहाँ मैं एक चीज़ सॉरी ऐड कर दूँ कि आप हिस्टोरिकली देखें जो पाकिस्तान बार काउंसिल है या पंजाब बार काउंसिल है या जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस हैं, तहसील बार एसोसिएशंस हैं, द एंटायर कंट्री यूज्ड टू लुक अप टू द लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बिकॉज जो लीडरशिप यहाँ से इनिशिएट हुई, जो लीडरशिप लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रोवाइड की, पूरा मुल्क किसी भी क्राइसिस के अंदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ देखता था। अनफॉर्चुनेटली हमने चूँकि अपना वो लीडरशिप रोल खुद ही डाइल्यूट कर दिया, तो वो वक़्त नहीं रही, वो इज़्ज़त नहीं रही जिसको हमने वापस लेके आना है, जिसको हमने रिस्टोर करना है थ्रू सर्विस। मेरा आखिरी सवाल है स्पेसिफिकली यंग लॉयर्स के लिए, आप क्या रिफॉर्म लेकर, जैसे कि आप खुद भी यंग लॉयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके लिए रिफॉर्म्स आपकी ज़हन में क्या चाहते हैं? आई विल बी वेरी क्रिस्प। एक तो मैंने आई लिंक विद वट एवर आई सेड प्रीवियसली कि मैं चाहता हूँ कि उनकी ट्रेनिंग पर फोकस करूँ। बिल्कुल ठीक है, जो पहले भी आप, मैं पहले बात भी की, ताकि वो उनको एनेबल करूँ उन दोस्तों को कि वो प्रॉपरली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, बिकॉज एडवोकेसी इज़ एन आर्ट एंड दैट आर्ट हैज़ टू बी लर्न्ड, इट हैज़ टू बी एक्वायर्ड एंड दैट स्किल हैज़ टू बी इम्पार्टेड टू आवर यंगर ब्रदर्स एंड आवर यंगर सिस्टर्स जो भी हमारे कॉलीग्स हैं। तो सबसे पहले तो हमने वो सेंटर्स कायम करने हैं जिसके थ्रू हम ये नॉलेज इम्पार्ट करेंगे। ये रिफॉर्म सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। एक लॉन्ग टर्म ये मैं चाहता हूँ कि अब चूंकि इन्फ्लक्स लॉयर्स का बहुत ज़्यादा है, चैम्बर्स कम हैं, तो मैं मेरी हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि अपने इस टेन्योर के अंदर मैं वो सेंटर सेटअप कर दूँ जो प्रो बोनो लिटिगेशन को कनेक्ट करे विद यंग लॉयर्स। बिकॉज आप देखें बहुत सारे लोग हैं लाखों की तादाद में जो केस करना चाहते हैं, जिनको एक लीगल इशू है, एक ग्रीवेंस है, लेकिन वो अदालत तक इसलिए रसाई नहीं कर पाते बिकॉज वकील फीस नहीं दे सकते, वो वकील की वो बहुत महंगा है एक लीगल प्रोसेस। हमारे यंग दोस्त ऐसे हैं जो फीस नहीं भी चाहते लेकिन वो परफॉर्म करना चाहते हैं, वो तंग आ चुके हैं डेटें ले लेके, वो तंग आ चुके हैं कि एज अ प्रॉक्सी काउंसिल पेश होके, और वो चाहते हैं कि वो खुद अपने आप को प्रेजेंट करें, जो नॉलेज उनके पास है तैयारी करके जाके जज के आगे एक्सप्रेस कर सकें अपने आप को। तो एट द हाई कोर्ट लेवल मैं वो प्रो बोनो सेंटर्स कायम करना चाहता हूँ जिसके अंदर पहले हम अपने दोस्तों की ट्रेनिंग करें और फिर उन्हें वो केसेस मार्क करें कि वो जाएं अपने वकालतनामे के साथ इंडिपेंडेंटली पेश होके वो एक उनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स भी क्रिएट हों, वो सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस के लिए मेच्योर भी हो जाएं और वो अपने आप को इस लेवल पर ले जाएं कि उनको जो हाई कोर्ट्स हैं वो उसी इज्जत की निगाह से देखें जिस तरह से वो सीनियर्स को देखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये जितनी भी आपने रिफॉर्म्स की बात की हैं और आपने काफ़ी ज़्यादा आपने अपने प्रॉपर आपने उस कन्वे करने की कोशिश की है, ये बड़ा एक लेंथी प्रोसेस है, बड़ा एक हैक्टिक और लेंथी, और ये चैलेंजेस इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको आएंगे। टेन्योर आपके पास 12 मंथ्स है, तो आपको इस बात पर यकीन है कि आप जो देखिए बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कहीं इमेज बिल्डिंग के लिहाज से वो इशूज़ मेरे जहन में, ऑल आई हैव टू डू इज़ कंपाइल देम एंड से एट द राइट टाइम। एज़ फार एज़ ट्रेनिंग सेंटर्स आर कंसर्न, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हमारी मोस्ट जो बार एसोसिएशन हैं उसमें इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, चूँकि मैं ट्रैवल किया है, मैंने देखा है
वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर्स भी कायम है. हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद इम्प्रूव करना है. बेबी इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी प्रोवाइड कर सकती है. हमने वो वीडियो लिंक वाला सारा का सारा एक निज़ाम क्रिएट करना है. सारे दोस्त जो ट्रेनिंग इम्पार्ट करना चाहते हैं उन सबको मैं जानता हूँ, उन सीनियर से मैंने बात की है. हमें उनके कुछ टाइम चाहिए, एक स्केड्यूल टाइम पे हम उसको अनाउंस कर देंगे सोशल मीडिया के ज़रिए भी कि इस टाइम पे फलाने या जो फॉर एग्जांपल जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक एक्सपर्ट हैं, मैं सलमान राजा साहब से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जी आप आएँ और बताएँ कि जो रिट का कानून क्या है. बुरहान मुजम मलिक साहब से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप ट्रायल पर बात करें. हम आज़म नज़ीर तारड़ साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो क्रिमिनल की अपेलेट प्रैक्टिस है वो उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करें. हम अपने मुख्तलिफ खालिद इसहाक साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इलेक्शन पटिशन्स पे आके हमें गाइड करें. सो जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं वो सब मेरे कुछ बड़े हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं, और उनको मैं बुला के ईज़िली ये काम तो करवा सकता हूँ. कुछ चीज़ें जो बहुत आगे चली जाएंगी, मैं जो प्रो बोनो सेंटर की बात कर रहा था मे बी उसको सेट करते करते मुझे ज़्यादा वक्त लग जाए उसको फॉर्मलाइज करते हुए, लेकिन आई थिंक कि मैं 6 से 8 महीने के अंदर इसको एग्जीक्यूट कर लूँगा. ठीक हो गया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप कि जो आपने ये बातें की हैं और अगर आपको मौका मिले इस पर वर्कआउट हो सके, क्योंकि हमारी लाहौर हाईकोर्ट बार को स्पेसिफ़िकली इन 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 चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, जो कि पिछले से 10 से 20 साल में उसमें कमी आती गई है उन कामों में. एग्जैक्टली. तो अगर मौका मिला मैं आपके पास आऊँगा उस टेन्योर में भी, और आपसे ये सेम फिर ये बातें रिपीट करके पूछी जाएंगी. तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले प्रोग्राम में एक नेक मेहमान के साथ आपके पास आएँगे. अस्सलामु अलैकुम.